हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को, जो कि क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर है। और उसमें हमने एनाटॉमी के बाद में फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी। और फिजियोलॉजी में हम बात कर चुके हैं जो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ब्लास्टुलेशन या क्लीवेज तक हम बात कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन के बारे में भी हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि गेस्टुलेशन की डेफिनेशन क्या है और उसमें जो जर्म लेयर्स बनती हैं वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं। तो अब हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है गेस्टुलेशन, और गेस्टुलेशन किस प्रकार से होता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उनके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो गेस्टुलेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये समझिए कि गेस्टुलेशन जो है, अगर जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि कोई भी साइंस का जो टर्म है वो किसी ना किसी टर्म से मिलकर के बना है, उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि गेस्टुलेशन जो है, गेस्टुलेशन भी एक टर्म से मिलकर के बना है और वो है ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड उसका ग्रीक वर्ड है और वो है गेस्टर, जिसका मतलब होता है सिंपली स्टमक या गट। यानी कि मेन जो चीज है, मेन जो चीज है हमारी बॉडी में वो है ऑल दी ऑर्गेन्स आर सिचुएटेड अराउंड दी गट। वी नो दिस, ऑल दी अराउंड्स आर सिचुएटेड अराउंड दी गट। सो दैट्स व्हाई दिस ग्रीक वर्ड वाज यूज्ड एंड गेस्टुलेशन वर्ड केम इन अवर माइंड। तो गेस्टुलेशन जो है वो ग्रीक वर्ड गेस्टर से मिलकर के बना है। अब आगे हम बात करते हैं गेस्टुलेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये भी एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस है। और उसमें क्या होता है, उसमें होता है सेल्स जो है वो क्या होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, स्पेसिफाइड होती हैं। स्पेसिफाइड होने के बाद में उनका रीअरेंजमेंट होता है, एंड डेवलप करती हैं फिर वो एक बॉडी प्लान को। तो गेस्टुलेशन इज एम्ब्रियोजेनिक जेनेसिस प्रोसेस इन विच सेल्स स्पेसिफाइड रीअरेंज एंड डेवलप बॉडी प्लान। तो ये जो गेस्टुलेशन है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। गेस्टुलेशन है एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है, कॉम्प्लेक्स सीरीज है, और वो किसकी है, इवेंट्स की। तो इवेंट्स की एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है, उसमें जो पहला जो होता है वो होता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों हो रहा है कि सेल्स आपस में रीअरेंज हो रही हैं इस प्रकार से कि जिससे कि उनमें पोटेंशियल आ जाए, वो नेवर्स के अपने अपने नेवर्स के पास में जा रही हैं। और वो किस के कारण जा रही हैं, पोटेंशियल उनमें जनरेट हो जाए टू अचीव सिग्नल्स। तो सेल्स में अरेंजमेंट हो रहे हैं और वो क्या है, नई नई जो नेवर्स हैं, नेवर्स सेल्स बना रही हैं, और नेवर सेल्स जो हैं उनके पास में आपस में अरेंजमेंट हो रही है, जहां जिसका टांका फिट हो रहा है वहां पर जा रही हैं वो। और वो क्यों जा रही हैं, वो हो रही है पोटेंशियल टू अचीव पोटेंशियल सिग्नल्स। तो वो इसलिए कि जिससे कि उनमें इतनी पोटेंशियल आ जाए कि वो इस हिसाब से अरेंज होती हैं कि जो सिग्नल आए उसको अच्छी तरीके से वो प्राप्त कर चुके हैं। तो पहला जो स्टेप होता है, वो पहला सीरीज के जो पहला स्टेप होता है रीअरेंजमेंट। उसके बाद में जो है अगला जो सीरीज का जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स।
फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, और जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको बात समझ में आई कि डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन ये है और इसमें कौन कौन सी इवेंट्स आ रही हैं। रीअरेंजमेंट जो इवेंट है, इसी इवेंट्स के अंदर और दो तीन इवेंट्स आती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो इसको अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लें, ठीक है। रीअरेंजमेंट जो है, रीअरेंजमेंट में कुछ स्टेप्स हैं, वो है, पहला है कि रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट में पहली स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनिक प्लेट। पहले तो सेल्स क्या हैं, इस प्रकार से आपस में अरेंज होती हैं कि वो एक प्लेट बना ले, एम्ब्रियोजेनिक। एम्ब्रियोजेनिक प्लेट से मतलब ये है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी बना ले हैं कि जिससे कि आगे के जो स्ट्रक्चर हैं उनको बनाने में प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद में जो अगला जो है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। अब जो एम्ब्रियो बनेगा उसके बाहर में लेयर्स का फॉर्मेशन हो। तीसरे जो है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमेटिव स्टैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, क्योंकि इसी के कारण हमारी जो सिमेट्री है वो क्या है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड राइट टू लेफ्ट है। इसका मतलब यह है कि आप अगर इधर से कट करते हैं बीच में से, तो आपको सेम वही सिस्टम्स इधर मिलेंगे, वही इधर मिलेंगे, यानी कि आपको बराबर भागों में मिलेगा, बायलेटरल मिलेगा, ठीक है। और फिर जो है ये, इसके बाद में अगला इवेंट है, रीअरेंजमेंट के बाद में हो ही गया है, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स। आई बात समझ में आता, तो ये सीरीज के इवेंट्स हैं, वो टू इवेंट्स हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स और फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर। सेल्स के अरेंजमेंट में भी ये तीन स्टेप आती हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोजेनिक प्लेट, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोजेनिक लेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमेटिव स्ट्रैक, और फिर है जो अगला जो इवेंट है वो है थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन। तो देखिए आप क्या है कि आपने बात की थी सबसे पहले जायगोट की, जायगोट के बाद में आपने क्या देखा, ब्लास्टुला बना है, तो अब जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, वो डिवाइड होती हैं। अब तक सेल्स क्या हो रही थी, स्लोली डिवाइड हो रही थी, लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता है, अब रैपिडली डिवाइड होती हैं सेल्स, और रैपिडली डिवाइड होती है इस प्रकार से कि वो अपने आप रीअरेंज होती जाती हैं, डिवाइड होती जाती हैं, और उसके बाद में ये गैस्टुला फॉर्मेशन करती हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जो इवेंट्स में ये फलाना चीज बनेगा, ये डिकाना बनेगा, तो उसका कारण क्या रहेगा, उसका कारण रहेगा कि सेल्स का कंटिन्यूस फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूस फॉर्मेशन सेल्स का है, वो है इसका कारण। तो अब क्या हुआ है, गैस्टुलेशन में सबसे पहले कि सेल्स जो है वो कंटिन्यूस बन रही है, अब सेल्स कंटिन्यूस बन रही हैं और वो क्या हो रही है, अरेंज हो रही हैं। तो अब अरेंज किसके द्वारा होंगी, वो मूवमेंट करेंगी, तो सेल्स क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। सेल्स क्या करेंगी भाई साहब, मूवमेंट, और मूवमेंट करने के कारण ही ये आपस में क्या हो जाती हैं, रीअरेंज होती जाती हैं। मूवमेंट अगर वो नहीं करेंगी तो रीअरेंजमेंट कहां से हो जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट करती है, इसकी वजह से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अब ये जो मूवमेंट होता है इसके लिए टर्म दी जाती है,
और उस टर्म का नाम है मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। मूवमेंट तो सेल्स की क्या हो रही है? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अगर हम एक बार बात कर लेते हैं कि मॉर्फोजेनिक मूवमेंट किस प्रकार से होती है, तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स जो होती हैं ये दो प्रकार से होती हैं। एक तो सिंगल सेल में मूवमेंट हो या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स में मूवमेंट हो। तो ये किस प्रकार से मूवमेंट हो रही है? पहली है इंडिविजुअल सेल में मूवमेंट, इंडिविजुअल सेल में मूवमेंट हो रही है। इंडिविजुअल सेल में जो मूवमेंट हो रही है ये दो प्रकार से हो सकती है। पहली है माइग्रेशन और दूसरी है इनग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? देखिए, आपने सेल्स ली कुछ, अब इसमें हम एक सिंगल सेल है इसको दर्शा देते हैं, यह सिंगल सेल है। अब इस सिंगल सेल ने क्या किया है कि मूवमेंट इस प्रकार से किया है कि या तो यह सेल इन्हीं सेल्स के साथ में यहां से हट करके यहां लग जाएगी। ठीक है, अगली जो कंडीशन इसकी आएगी वो क्या आएगी कि या तो यह सेल जो है वो इस प्रकार से लग जाएगी, अटैच हो जाएगी, यहां अटैच हो गई ये सेल, या फिर ये इस जगह पर अटैच हो गई। ठीक है, या फिर क्या होगी, ये सेल मैट्रिक्स में चली जाएगी। ये कहां चली जाएगी? या फिर ये सेल जो है मैट्रिक्स में चली जाएगी, मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स में सेल चले गई है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं माइग्रेशन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। अब हम बात करते हैं इनग्रेशन के बारे में। तो वो ये सेल्स हैं और ये सेल है। अब ये सेल क्या करेगी? ये सेल कैविटी में चले जाएगी। कहां चले जाएगी ये सेल? ये सेल कैविटी में चले जाएगी। ये जो सेल है ये कहां चले जाएगी? कैविटी में चले जाएगी। ये आपस में अटैच नहीं होगी, ये आपस में अटैच नहीं होगी इन्हीं सेल्स के साथ में, ये तो क्या है, कैविटी में चले जाएगी। ठीक है, तो ये सेल जो है ये कैविटी में आ गई है, तो इसको हम कहते हैं इनग्रेशन। और अब जो है अगला पॉइंट है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो किस प्रकार से मूवमेंट करती है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स के मूवमेंट की कुछ अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उनमें जो पहला तरीका है मूवमेंट करने का वो इस प्रकार से है। पहला है इनवेजिनेशन। क्या है? इनवेजिनेशन। देखिए इनवेजिनेशन में क्या हो रहा है, इनवेजिनेशन में जैसे कि ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, और इन सेल्स में क्या होती है कि इन सेल्स में बकलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इनमें क्या हो जाती है? बकलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगली जो कंडीशन आती है वो इस प्रकार से आती है, ये सेल है और इसमें बकलिंग हो जाती है अंदर सेंटर की साइड में। ठीक है, तो इस प्रकार की मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इनवेजिनेशन। इसमें क्या हुआ है? बकलिंग हुआ है, बकलिंग टुवार्ड दी सेंटर। ठीक है, तो सेंटर की तरफ जो बकलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसे हम बात करते हैं इनवेजिनेशन में। अगला जो है ग्रुप ऑफ सेल्स का मॉर्फोजेनिक मूवमेंट का वो है इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन में क्या होगा? जो सेल्स हैं
वो किसी, अगर मान के चलो किसी लेयर पर है, तो उसी लेयर के की तरफ, उसी लेयर की तरफ वो क्या होंगी, इन्वोल्यूट होने लग जाएंगी। ठीक है, तो वो इस प्रकार से ये कंडीशन बनेगी। अगली जो कंडीशन है वो इस प्रकार से बनेगी, सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड हो रही हैं और वो डिवाइड होती हुई आगे की जो सेल्स हैं वो इस प्रकार से इन्वोल्यूट हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, उसे हम क्या कहेंगे, इन्वोल्यूशन। अगली जो मूवमेंट है उसका नाम है एपिबॉली। तो इसमें एपिबॉली में क्या होता है, देखिए एपिबॉली में मान के चलो कोई दो सेल है, एपिबॉली में आपने माना कि कोई दो सेल की लेयर है, ठीक है, ये बाहर वाली है और ये अंदर वाली है। अब हुआ क्या है, ये कौन सी वाली है, ये है डीपर वाली। अगर इसको आप बात करते हैं गैस्टुलेशन में तो आप कह सकते हैं योक सैक लेयर, या आप ये कह सकते हैं डीपर लेयर। ठीक है, तो ये जो आउटर जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर। तो ये आउटर लेयर जो होती है, अब जो कंटिन्यूस डिविजन्स होंगे उन डिविजन्स के बाद में ये इस प्रकार से आती है और ये जो एरिया है इसको कवर कर लेती है, यानी कि जो आउटर जो लेयर है वो इनर लेयर को क्या कर लेती है, इस प्रकार से कवर कर लेती है, और इस कंडीशन को हम कहेंगे एपिबॉली। अगला जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है वो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। जैसा कि इनका नाम है उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं, कन्वर्जेंस में क्या होगा, कन्वर्जेंस में भाई साहब कोई बिंदु है, किसी बिंदु या किसी सेल के सापेक्ष या कोई भी जो परिवर्तन है उसके सापेक्ष में जो सेल्स जो हैं वो बाहर से आएंगी, उसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। ये बाहर से सेल्स आ रही हैं, मूवमेंट करते करते, और ये इसके अगली कंडीशन हो जाएगी कि ये पॉइंट है, इसी बिंदु के चारों तरफ ये सेल्स सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इकट्ठे हो जाएंगे। इसी प्रकार से डाइवर्जेंट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डाइवर्जेंट जो है कि उसी बिंदु के सापेक्ष जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे और उससे डाइवर्जेंस हो जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कौन कौन सी है, कन्वर्जेंस, एक्सटेंशन और डाइवर्जेंस। तो ये इस प्रकार से ये इसकी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट है। अगली एक मूवमेंट और है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं और उसका नाम है डीलेमिनेशन। तो जैसा कि आपको पता है डीलेमिनेशन, आप लेमिनेशन कराने जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं आप कि दो लेयर्स होती हैं, उनके बीच में क्या होते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट होता है और एक मशीन के द्वारा उन दोनों लेयर्स के बीच में जो कागज है वो क्या होता है, भीतर चिपक जाता है, दोनों लेयर्स चिपक जाती हैं और जो कागज है वो भीतर की भीतर रह जाता है, हैं? इसी प्रकार से ये है डीलेमिनेशन, यानी वो तो कंडीशन कहलाती है जिसमें कागज भीतर रहता है और दोनों लेयर्स चिपक जाती है, उसको कहते हैं हम लेमिनेशन। अब इसमें डी लग गया है, इसका मतलब ये लेमिनेशन छूटने वाला है। तो दो लेयर बना देते हैं हम सेल्स की, दो लेयर है ये सेल्स की, ठीक है, ये लेयर हो गई और उसके बाद में ये लेयर हो गई। अब अगली जो कंडीशन होगी वो अगली कंडीशन इस प्रकार से होगी कि ये लेयर जो है ये अलग होगी और ये जो ऊपर वाली जो लेयर है ये अलग रहेगी सेल्स की। तो दिस इज कॉल्ड डीलेमिनेशन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। आपको समझ में आए डीलेमिनेशन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट किस प्रकार से होती है। एक मूवमेंट और होती है इनफिल्ट्रेशन।
एंड फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, सेल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, फिल्टर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये किस प्रकार से फिल्टर होती हैं कि जिसका जो फंक्शन है आप वही सेल्स को रहने दीजिए। सेल्स ये कहती हैं कि भाई जिस जिसका फंक्शन है वो यहां रहे, बाकी की जो सेल्स हैं वो चले जाए, यहां से अपनी जगह पर जाए। तो ये जो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट होती है इसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो ये इस प्रकार से हमने बात की कि इंडिविजुअल सेल किस प्रकार से मॉर्फोजेनिक मूवमेंट करती हैं और फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो किस प्रकार से मूवमेंट करती हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेल्स जो हैं तो वो टू टाइप से माइग्रेशन और इनग्रेशन। इसी प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट करते हैं इनवेजिनेशन इनवोल्यूशन एपिबोली कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इनफिल्ट्रेशन डिलेमिनेशन। ये जो इनके जो तरीके होते हैं किसके हैं ये तरीके हैं मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के। यानी कि जो सेल्स जो हैं आईसीएम में जो आईसीएम जो सेल्स हैं या ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं उनमें क्या होगा मूवमेंट। तो ऐसा मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है, कौन सा मूवमेंट पॉसिबल होगा कौन सा नहीं होगा वो हर चीज एक स्पीसीज है उसके आधार पर और स्टेज के आधार पर रहेगा। प्राइमेटिव स्ट्रैक जो होता है उसमें क्या होती है कि एक्टोडर्म की सेल की लेयर्स और मीजोडर्म एक्टोडर्म की सेल की लेयर्स जो एक्टोडर्म सेल्स की जो लेयर है वहां से और एंडोडर्म की सेल की लेयर जो है वहां से सेल्स जो होती है वो क्या है निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो निकल निकल करके बीच में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक प्रकार से क्या हो गया है कन्वर्जेंस हुआ है डाइवर्जेंस, वो एक प्रकार से कन्वर्जेंस हो गया है। ठीक है, तो ये तरीके हैं किसके मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के हो गए हैं तरीके। तो ये आपने ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ऑल दी स्टेजेस ऑफ गैस्टुलेशन। गैस्टुलेशन की सारी हम स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट्स कौन कौन सी हैं गैस्टुलेशन में इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इवेंट्स में हम इस प्रकार से बात करते हैं कि जायगोट जो है जायगोट से क्या बना है आगे चल के ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला से अब बनने वाला है गैस्टुला। ठीक है, तो अब ब्लास्टुला की बात करते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारा ब्लास्टुला है और ब्लास्टुला में जो अंदर की साइड में है वो है सेल्स हैं यहाँ और इन सेल्स को हम कहते हैं आईसीएम। इन सेल्स का नाम क्या है आईसीएम यानी इनर सेल मास। और जो ब्लैक कलर से दिखाई जा रही हैं ये हैं ये जो सेल्स हैं ये हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये क्या हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ये क्या है ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लास्टुला। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्लास्टुला जो कंडीशन है इसमें इसका इम्प्लांटेशन होता है 5 to 7 days। कब होता है 5 to 7 days के बाद में 5 to 7 days आफ्टर द इम्प्लांटेशन। अब बात करते हैं हम आगे गैस्टुला जो है गैस्टुला किस किस प्रकार से बनता है। तो उसकी हम इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हमने चार इवेंट्स के बारे में बात की है और उन चार इवेंट्स को अब हम डायग्रामेटिक देखते हैं कि वो किस किस प्रकार से बनते हैं। तो अब ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं और ये आईसीएम हैं, सबसे पहली जो स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक प्लेट या डिस्क, पहली कंडीशन है। तो पहली कंडीशन के बारे में हम इस प्रकार से बात करते हैं कि देखिए ये जो ब्लैक कलर में हम दिखा रहे हैं ये हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आईसीएम हैं, आईसीएम जो हैं सेल्स हैं, आप इसको ऐसे रोटेट कर लो समझने के लिए। अब इसको आपने ऐसे रोटेट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम यहां आईसीएम सेल्स को दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है आईसीएम सेल्स हैं ये आपस में दो प्रकार से सजेस्ट हो जाती हैं स्थित हो जाती हैं। एक तो ये इस प्रकार से कॉलमनर सेल्स के रूप में और दूसरा ये क्यूबॉइडल सेल्स के रूप में।
डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया था कहां पर? फर्स्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया था भाई साहब जब ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और आईसीएम सेल्स अलग हुई थी, तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर हुआ था फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इस प्रकार से हुआ है कि सेल्स जो हैं उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है और वो स्पेसिफाइड हो गई हैं किस किस प्रकार से, क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स। तो ये कैसी सेल्स हैं? ये हैं कॉलमनर सेल्स, ठीक है भाई साहब। और ये कैसी हैं? क्यूबॉइडल सेल्स। और ये क्यूबॉइडल सेल्स की जो लेयर होती है ये नीचे की साइड में है, तो इसको हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं हाइपोब्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? हाइपोब्लास्ट। और जो ऊपर की साइड में जो होती हैं कॉलमनर सेल्स, इनकी जो लेयर है इसको हम बात करते हैं, इनको कहते हैं एपिब्लास्ट। तो ये दो लेयर हो गई हैं एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की। अगली जो इवेंट है, अगली इवेंट में क्या होता है उसको देखिए आप। अगली इवेंट इस प्रकार से है कि ये ट्रोफोब्लास्ट है और इस ट्रोफोब्लास्ट में अब क्या हुआ है कि इसकी कुछ सेल्स हैं, इसकी कुछ सेल्स हैं और उन सेल्स ने क्या किया है? स्प्लिटेशन स्टार्ट किया है। स्प्लिटेशन किस प्रकार से स्टार्ट किया है? क्योंकि ये जो सेल्स हैं आईसीएम और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, इनमें क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है कंटिन्यूअस, और माइटोटिक कंटिन्यूअस डिवीजन की वजह से इनकी जो नंबर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इन सेल्स का क्या हो रहा है? नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये कुछ ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो होती हैं वो इस प्रकार से अरेंज हो जाती हैं, आप देखिए, ठीक है। और ये एक प्रकार से एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। बाकी की रही जो हैं हमारे पास वो कौन कौन सी सेल्स हैं? वो है कॉलमनर सेल्स, और क्यूबॉइडल सेल्स। तो अब ये जो सेल्स हैं जो स्प्लिट हुई है कहां से? ट्रोफोब्लास्ट से, इनका हम नाम दे देते हैं एमनियोटिक सेल्स। क्या नाम देते हैं उनको? एमनियोटिक सेल्स, ठीक है। और ये जो एपिब्लास्ट है और हाइपोब्लास्ट है इनके बीच में स्पेस होता है और इसको हम नाम देते हैं एमनियोटिक कैविटी। आई बात समझ में? इसका नाम क्या है? एमनियोटिक कैविटी, ओके। ये क्या है? ये है एपिब्लास्ट और ये क्या है? ये है हाइपोब्लास्ट। अब हम अगला जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है। अब होने वाला है कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इस जगह पर एमनियोटिक सेल्स के रूप में लेयर बना ली है, ठीक है। अब ये जो हाइपोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, ये हाइपोब्लास्ट सेल्स भी, ये आगे हम बात करते हैं इस प्रकार से, तो ये हो गया है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट में अब क्या होता है कि ये जो हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं ये स्प्लिट होती है नीचे की साइड में, सर्कुलर नीचे की साइड में, ये भी सर्कुलर रूप से, जिस प्रकार से ये ऊपर हुई है स्प्लिट, ये इसी प्रकार से नीचे की साइड में क्या होती है? स्प्लिट होती है। तो ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं हाइपोब्लास्ट की सेल्स की और ये है कॉलमनर सेल्स। ये क्या है? एपिथेलियल एपिब्लास्ट, ठीक है। अब क्या हुआ है? नेक्स्ट जो इवेंट है वो इस प्रकार से हुआ है कि नेक्स्ट इवेंट में ये जो हाइपोब्लास्ट है इनसे सेल स्प्लिट हुई है और इन सेल्स से क्या है? इस प्रकार से ये लेयर का फॉर्मेशन हुआ है और इन सेल्स को हम कहते हैं एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक सैक। इनका नाम हमने क्या दे दिया है? इनका नाम दे दिया है हमने एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक सैक, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक सैक, ठीक है। ये कहां से स्प्लिट हुई है? ये भी स्प्लिट हुई है हाइपोब्लास्ट से, स्प्लिटेड
सेल्स फ्रॉम हाइपोब्लास्ट। अब देखिए ये क्या थी, ये जो हमने कैविटी दर्शा रहे थे हम, ये कैविटी क्या थी, ये थी ब्लास्टोसील, ये क्या थी ब्लास्टोसील, ये क्या थी ब्लास्टोसील। अब देखिए ब्लास्टोसील है, अब ये डिवाइड हो गई है, ठीक है, और डिवाइड होने के बाद में ये जो अलग जो कैविटी बन गई है इसे हम कहते हैं योक्सैक, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं योक्सैक, इसका नाम हो गया है प्राइमरी योक्सैक, प्राइमरी योक्सैक। प्राइमरी योक्सैक जो होता है ये फर्स्ट जो एम्ब्रियो जो होता है उसकी सबसे पहली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी योक्सैक। इसी से क्या होता है, इसी से होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो प्राइमेटिव जो ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कहां से होता है, योक्सैक से, प्राइमरी योक्सैक से, इनसे क्या हुआ है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए अब अगली इवेंट की बात करते हैं हम, अगली इवेंट की बात करते हैं, तो अगली इवेंट में हम बात करते हैं, ठीक है, अगली इवेंट में क्या होगा कि जो ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स क्या होती हैं, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं ये इस प्रकार से इनका स्प्लिटेशन ज्यादा होता है इनसाइड की तरफ, ये इस प्रकार से स्प्लिट होती हैं, और ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है जो ब्लास्टोसील वाली जो जितनी भी जगह थी उस सारी की सारी जगह को ये कवर कर लेती हैं और पूरी की पूरी इसमें अंदर की तरफ भर देती हैं इसे, और ये स्प्लिट हुई हैं सेल्स, और इन्होंने क्या किया है इसको भर दिया है सेल्स के द्वारा, और इनका हम नाम देते हैं यहां पर ये क्या है, यहां पर वो ही है एमनियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, ये एपिब्लास्ट है और ये कॉलमनर सेल्स हैं यानी कि हाइपोब्लास्ट है, ठीक है, और ये योक्सैक है, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ योक्सैक हैं। अगली बात समझ में, तो ये जो स्पेस जो बचा हुआ था इस स्पेस में क्या हुआ है कि स्प्लिट हुई है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स इसमें क्या हो गई है स्प्लिट हो गई है, ये जो पूरी की पूरी जो कैविटी थी इस पूरी पूरी कैविटी को इन्होंने भर दिया है, तो इनका हम नाम लिख देते हैं, ये क्या है प्राइमरी योक्सैक, प्राइमरी योक्सैक, ठीक है, ये क्या है, ये है एपिब्लास्ट, ये क्या है हाइपोब्लास्ट, ये एमनियोटिक सेल्स लेयर है, ये एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई हुआ क्या है। अब देखिए यहां तक आप समझ चुके हैं, ये जो यहां से लेकर के और यहां तक की जो पूरी कंडीशंस होती हैं, इनको हम रखते हैं किसमें, जो पहली स्टेज होती है वो कौन सी होती है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये यहां तक एम्ब्रियोनिक डिस्क का फॉर्मेशन हुआ है, अब आगे ये जो प्रोसेस चल रही है ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। देखिए अब लेयर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, आप जानते हैं अगर आप जो वाटर है, अगर वाटर में आप क्या क्या है स्टोन पटकते हैं, अगर कोई ग्लास है उस ग्लास में वाटर भरा हुआ है वो थोड़ा सा खाली है, अगर आप उसमें स्टोन डालते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर है वो ग्लास से बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है, तो इसी कारण से ये जो एंडोडर्मल सेल्स हैं जो योक्सैक की, ये क्या होती हैं, ये आपस में ये यहां से और इधर की साइड हाइपोब्लास्ट की साइड में क्या होता है इनमें प्रेशर लगता है, और ये इनकी अगर यहां पर लंबाई अगर आप देखते हैं, मान के चलो कि आप मान लेते हैं कि 1 माइक्रोमीटर है, तो ये आकर के ये आधी ही रह जाएगी, यानी ये जो लेयर है
योग से की, ये योग से क्या होता है, पुश होता है किधर, हाइपोब्लास्ट की तरफ। क्यों हो रहा है पुश, क्योंकि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स इसमें पूरी पूरी भर गई है और इनकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है जनरेट। तो इनकी वजह से, इन सेल्स की वजह से क्या है, प्रेशर जनरेट हो रहा है। इस वजह से योग सेक जो है, इसकी जो स्पेस है वो क्या होता है, कम होता है, होने लगता है। अब कम होने लग गया है और ये प्रेशर लगा है। इसी के साथ में इसमें एक काम और होता है, और एक काम क्या होता है कि ये जितनी भी ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं, या जो जितनी भी ये मेसोडर्मा एक्स्ट्रा, इनका नाम हम दे देते हैं, इनका नाम हो जाता है एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस मेसोडर्मल सेल्स। तो मेसोडर्मल सेल्स के संख्या बढ़ने के कारण जो योग सैक है, इसकी जो अंदर प्रेशर लगता है, इस वजह से इसका जो साइज होती है वो कम होने लग जाती है। और इसी के साथ में और क्या होने लगता है कि ये जो सेल्स हैं, जो भरी हुई हैं मेसोडर्मल सेल्स, ये आपस में अपने आप को डिफरेंशिएट करने लग जाती हैं। और कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या होती है, वो इस प्रकार से होती है कि ये ट्रोफोब्लास्ट है, और ये ट्रोफोब्लास्ट में आपने ये दर्शाया है योग सैक, ठीक है, ये आपने योग सैक की लेयर दर्शा दी है, और ये आप दर्शा रहे हैं हाइपोब्लास्ट। ये इस प्रकार से आधा ही रह गया है, और ये क्या है, एपिब्लास्ट। और इसके ऊपर जो है वो क्या लेयर बनी हुई है, एमनियोन की लेयर, ठीक है, एमनियोटिक सेल्स की लेयर बनी हुई है। अब ये जो हाइपो, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं, ये अपने आप को क्या करती हैं, या तो ट्रोफोब्लास्ट की साइड में इकट्ठी हो जाती हैं, या फिर ये जो एम्ब्रियो है इसकी साइड में इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन ऊपर की साइड में क्या होता है, एमनियोटिक जो साइड होती है, जो एमनियोटिक सेल्स होती है, इस साइड में ये योगी त्यों रहती है, ये कहीं भी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है सेल्स। तो ये यहां तो इसी प्रकार से रहती है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, इससे नीचे जब जाते हैं आप, इससे नीचे जाते ही तो कुछ सेल्स जो होती हैं वो ट्रोफोब्लास्ट के पास में इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है भाई साहब। और कुछ सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये जो योग सैक की जो लेयर है इसके पास में इकट्ठी हो जाती हैं। आगे बात समझ में, बीच में फिर से स्पेस रह गया है, और इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस सीलोम। इसको क्या नाम देते हैं, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस मेसोडर्मल सीलोम। यहां तक बात समझ में आई। अब ये जो इसके साइड में जो होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट के साइड में जो सेल्स इकट्ठी हुई हैं, इनका नाम हो जाता है सोमेटोप्लूरिक। इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्मल सेल्स। और जो सेल्स एम्ब्रियो की साइड में होती हैं, इनका नाम हो जाता है स्प्लेंको। इनका नाम क्या होता है, स्प्लेक्नोप्लूरिक मेसोडर्मल सेल्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। और यहां पर ये जो सेल्स हैं एमनियोट, ये जो एमनियोटिक सेल्स की जो लेयर है, यहां पर सेल्स जो की क्यों होती है, डिफरेंशिएट नहीं होती हैं, तो इसको भी हम यहां वही नाम दे देते हैं, कौन सा, सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्मल सेल्स। यहां तक बात आपको समझ में आई। हुआ क्या है भाई साहब के स्प्लिट हुई है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, कहां पर, ये जो कैविटी बची हुई है ब्लास्टोसील वाली, उसमें क्या होती है, सेल्स स्प्लिट होती है कंटिन्यूअस। अब उन सेल्स की वजह से प्रेशर लगता है, और ये जो सैक है, ये उसकी जो क्या होती है, साइज होती है, वो कम हो जाती है। अब इस प्राइमरी योग सैक को हम नाम दे देते हैं क्या, सेकेंडरी योग सैक। इसका नाम क्या दे दिया है हमने, सेकेंडरी योग सैक। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए आप, अब आपको क्लियर दिख रहा है, लेयर जो है अलग अलग दिख रही है आपको। ये जो लेयर है, ये जो लेयर है विद ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के साथ में, और ये जो सेल्स हैं, कौन सी, सोमेटो वाली,
तो सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्मल सेल्स और ट्रोफोब्लास्ट वाली हैं, इनको हम नाम देते हैं कोरियोन। ये कौन सी लेयर है? कोरियोनिक। और ये लेयर है योक सैक वाली, और जो योक सैक के साथ में जो सेल्स इकट्ठी हुई है स्प्लेक्नो वाली, और इस लेयर को हम नाम दे देते हैं एलेंटोइस। क्या नाम दे देते हैं इसको? एलेंटोइस। यहां तक बात समझ में आई? और ये जो एमनियोटिक सेल्स के साथ में ये सोमेटोप्लूरिक सेल्स हैं, इस लेयर को हम नाम दे देते हैं एमनियोन। क्या नाम दे दिया हमने? एमनियोन। तो कोरियोनिक लेयर्स कौन सी है? ये कोरियोनिक लेयर है। ये कौन सी है? एलेंटोइस है। ये कौन सी लेयर हो गई है? एमनियोन हो गई है। और ये क्या है? ये सेकेंडरी योक सैक लेयर है। ये सबसे पहले जो जो लेयर का निर्माण होता है वो कौन सी है? योक सैक का। तो इस प्रकार से हमारे पास कितनी लेयर प्रेजेंट है? इस प्रकार से हमारे पास चार लेयर है। कौन कौन सी है? कोरियोन है, जो कि आउटर मोस्ट से जो लेयर है वो कौन सी है? आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस लेयर इज कोरियोन। उसमें क्या होता है? जो बच्चा है उसमें क्या है? उसी में रहता है, और उसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्या है? कोरियोन है। तो अब क्या है? अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ प्राइमेटिव स्ट्रैक। अभी तक हमने क्या देखा है कि लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो लेयर्स में कौन कौन सी लेयर का फॉर्मेशन हुआ है? एक तो फॉर्मेशन हुआ है कोरियोन का, ठीक है, एक का हुआ है एलेंटोइस, ठीक है, और एक है सेकेंडरी योक सैक, ठीक है, और एक है एमनियोन। तो कोरियोन जो है वो क्या कर रही है? ये क्या करती है? विद द एंडोमेट्रियम फ्यूज होती है, और फ्यूज होकर के क्या है? HCG जो हार्मोन है उसका सीक्रेशन करती है। लाइक दिस एलेंटोइस जो है ये कैपिलरी जो होती है ना उनका फॉर्मेशन करती है। सेकेंडरी योक सैक की हमने बात की थी ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, और एमनियोन की हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है? जो बच्चा है वो इसके जो फ्लूइड है उसी में क्या होता है? पलता है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो इस प्रकार से ये चारों जो लेयर्स हैं एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, ये काम करती हैं। अब क्या है, हम क्या कर रहे हैं? ये जो लेयर्स हैं कौन कौन सी? यहां ऊपर है एमनियोन लेयर, तो ये एमनियोन लेयर हो गई है, ठीक है। ये किसके साथ में? ट्रोफोब्लास्ट के साथ में, जो सोमेटिक सोमेटो एम्ब्रियोजेनिक जो मेसोडर्म है उसके साथ में क्या हुई है? सोमेटोप्लूरिक मेसो अब हम बात करते हैं कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट और सोमेटोप्लूरिक जो मेसोडर्मल सेल्स हैं उनके साथ में फ्यूज हो गई है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो लेयर क्या है? एमनियोन है। और ये जो लेयर है जो बाकी की हमारी एलेंटोइस है, कोरियोन है, और सेकेंडरी योक सैक है। तो कोरियोन तो लेयर ऊपर है ही, बाकी की जो ये दोनों लेयर हैं एलेंटोइस और सेकेंडरी योक सैक, इनको हम कंबाइंडली क्या बोल देते हैं? इनको हम कंबाइंडली बोल देते हैं योक सैक, ठीक है भाई साहब। और ये ऊपर जो लेयर है वो कौन सी बता दी हमने? कोरियोन। अब देखिए अब हुआ क्या है, अब हुआ ये है कि ये जो डॉर्सल सेल्स हैं किसकी? डॉर्सल सेल्स हैं एपिब्लास्ट की। ये क्या करती हैं? इनमें एक प्रकार का ग्रूव उत्पन्न होता है, और ये ग्रूव उत्पन्न होता है इनमें इस प्रकार से। तो इन सेल्स में क्या है? ग्रूव उत्पन्न होता है, और उस ग्रूव को हम क्या कहते हैं? प्राइमेटिव स्ट्रैक। क्या कहते हैं उसे हम? उसे हम कहते हैं प्राइमेटिव स्ट्रैक, ठीक है।
इसको क्या कहते हैं हम, प्राइमेटिव स्टेगिया किस्म हो रहा है डोर्सल, जो एपिब्लास्टिक सेल्स हैं उनमें। अच्छा, ये प्राइमेटिव स्ट्रेक क्या है, ये जरूरी है। इसी प्राइमेटिव स्ट्रेक की वजह से ये सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। यानी अगर आप यहां से ऊपर से नीचे तक एक कट करते हैं तो आपको बराबर बराबर के हिस्से मिलते हैं। वो किसके कारण मिलते हैं, वो प्राइमेटिव स्ट्रेक के। तो ये जो ग्रूव है, ये जो दो सेल्स मैंने अलग से दिखाई है, अलग ऊपर इसलिए दिखाई है, तो इनका ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव के इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा क्या होगा, सेम होगा। और ये सेम सेम क्या करेंगे, ये सेम सेम ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आगे की जो इवेंट्स है वो ऐसे है कि ये आपने दिखा दिया किसको, योक सैक को, ठीक है। ये कोरियन है गई, ये योक सैक लेयर, ये लेयर्स हो गई, ठीक है। अभी लेयर्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब आप बात करते हैं अगला जो फॉर्मेटिव इवेंट्स है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ थ्री जर्म लेयर्स। तो ये ऊपर वाली जो लेयर है ये हमने बात कर ली है, ये कौन सी है, एपिब्लास्ट। और जो नीचे वाली जो लेयर है ये कौन सी है, ये है भाई साहब हाइपोब्लास्ट। तो मैंने बात की है अभी कुछ देर पहले कि मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के बारे में बात की है। तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट में हमने एक बात की थी डिलेमिनेशन, एक बात की थी हमने इनवेजिनेशन, और एक बात हमने शायद नहीं की है, पर वो आप ये इनवेजिनेशन की तरह ही है, एवेजिनेशन। इनवेजिनेशन देखिए, ये जो सेल्स हैं इन सेल्स में अगर ये अंदर की साइड जा रही है सेंटर की साइड में तो उनको कहेंगे हम इनवेजिनेशन, अगर ये सेंटर से दूर जा रही है तो उसको कहेंगे हम एवेजिनेशन। आपको बात समझ में आई, तो ये क्या है इनवेजिनेशन और ये क्या है एवेजिनेशन। देखिए अब ये जो सेल्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, ये सेल्स हैं भाई साहब, ये सेल्स है एपिब्लास्ट और ये है हाइपोब्लास्ट। तो एपिब्लास्ट जो है उससे तो हम फॉर्मेशन किसका कर देते हैं, एक्टोडर्म का, और हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म, ठीक है। ये लेयर बन गई है, आगे हम इसी को नाम दे रहे हैं, तो इसका नाम हमने दे दिया है एक्टोडर्म, और इसका नाम क्या दे रहे हैं हम, एंडोडर्म। तो अब देखिए इसमें क्या है, इन सेल्स में क्या होता है, अगली इवेंट ये है कि अब इन सेल्स में होता है मूवमेंट होता है। मूवमेंट कौन सा वाला होता है, ये आपस में ये जो दोनों सेल्स हैं वो कैसी हैं, ऐसे हैं, पास पास में हैं, और इनमें अब क्या होता है डिलेमिनेशन। डिलेमिनेशन में क्या होता है कि दोनों सेल्स जो होती हैं ऐसे हो जाती हैं, यानी कि अलग अलग हो जाती हैं, और ये इस प्रकार से अगली जो स्टेज है वो इस प्रकार से आ जाती है कि ये जो सेल्स हैं ये सेल्स अलग अलग अपना अपना काम करने लग जाती है। ये अलग ये सेल्स यहां हैं और ऐसे ही ये हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं, ये अलग हैं, और इनके बीच में स्पेस रह जाता है। ये किसके द्वारा हुआ है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, जिसका नाम क्या है डिलेमिनेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बीच में जगह रह गई है, अब यहां क्या होता है स्प्लिटेशन होता है, किसका, सेल्स का। कौन सी सेल्स का होता है, ये ऊपर वाली सेल्स जो होती है ये इधर की साइड में आई, सेंटर टू द सेंटर, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम इनवेजिनेशन। और ये नीचे वाली सेल्स होती है ये स्प्लिट होती है इसी एरिया में, ये ऊपर की साइड में, इसको कहेंगे हम एवेजिनेशन। तो इन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट की वजह से यहां सेल्स जो होती है वो क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। और ये एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं हम, तो अब ये एक लेयर का फॉर्मेशन होता हो गया है और इसको कहते हैं हम मीजोडर्म। क्या कहते हैं हम इसको, मीजोडर्म। ऊपर वाली कौन सी लेयर हो गई है, एक्टोडर्म,
और ये नीचे नीचे वाली कौन सी हो गई है, एंडोडर्म। ये इस प्रकार से तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन हो गया है। और ये हमने अभी तक क्या बात कर लिया है, हमने गैस्टुलेशन के बारे में बात कर लिया है। अब इससे आगे जो प्रोसेस चलेगी वो क्या है, प्रोसेस जो चलेगी वो वीक बाय वीक एम्ब्रियो को डेवलप करती चले जाएगी। इन तीनों जर्म लेयर्स के द्वारा क्या होगा, ऑर्गेन्स फॉर्मेशन होता चला जाएगा, ऑर्गेन्स फॉर्मेशन होता चला जाएगा। और ये जो योक सैक है, ये योक सैक है एक प्रकार से आगे चल करके लेमिनेंट कंडीशन में चला जाएगा। और एमनियोटिक कैविटी है, इसमें सारा का सारा एमनियो जो एम्ब्रियो है ये अंदर की साइड में इस प्रकार से ये कवर कर लेती है पूरी। कौन सी, एमनियोटिक कैविटी या एमनियन। एमनियोटिक कैविटी में एम्ब्रियो चला जाएगा और एमनियन से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और ये योक सैक है, ये क्या हो जाएगा आगे, फैट ऑफ योक सैक इज टू लेमिनेंट। तो योक सैक क्या हो जाएगा, योक सैक हो जाएगा लेमिनेंट, ठीक है। और फॉर्मेशन किसका स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अम्लीकर कोड। अम्लीकर कोड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, योक सैक लेमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये तीनों लेयर से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इन तीनों लेयर से स्टार्ट हो जाएगा। ए कंडीशन ये है, बी कंडीशन ये है, और तीसरी है। ये तीनों लेयर्स जो हैं ये ऑर्गेन टिश्यू से ऑर्गेन से सिस्टम, यानी पूरे बॉडी प्लान को क्या कर लेंगी, ये बना देंगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चलता है। जब ये बॉडी प्लान यानी ये ऑर्गेन और सिस्टम में डिवाइड होने लग जाती है एम्ब्रियो, तो इस एम्ब्रियो को हम कह देते हैं फीटस। तो जब ऑर्गेन्स का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, कब, ऑर्गेन्स का सेल्स से डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद में हम एम्ब्रियो को फीटस कहना स्टार्ट कर देते हैं। और ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन आती है आफ्टर 2 मंथ। ये कंडीशन कब आती है, आफ्टर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के बाद में हम एम्ब्रियो को क्या कहना स्टार्ट कर देते हैं, 2 मंथ के बाद में हम कहना स्टार्ट कर देते हैं इसको फीटस। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों लेयर्स हैं कौन कौन से ऑर्गेन या सिस्टम्स को बनाती है, इसको आप नोट कर लीजिए। मसल, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो तीनों लेयर्स हैं ये किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक्टोडर्म की, तो एक्टोडर्म नर्वस टिश्यू जो है उसका फॉर्मेशन करती है, और एपिडर्मिस है स्किन की, उसका फॉर्मेशन करती है, और सेंसरी जो ऑर्गेन्स हैं उनका फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एंडोडर्म की, तो एंडोडर्म में गट की जो ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है वो किससे होती है, एंडोडर्म से। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो किससे, एंडोडर्म से। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइनिंग जो होती है वो किससे, एंडोडर्म से बनेंगी। मीजोडर्म जो है, मीजोडर्म कनेक्टेड टिश्यूज को बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है, बोन्स हैं, टेंडन्स हैं, लेगामेंट्स हैं, इनको बनाता है। एपिडर्मिस कहां बनाई थी, एक्टोडर्म ने, लेकिन डर्मिस जो होती है स्किन की वो कौन बनाता है, मीजोडर्म। एक्सक्रेटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मीजोडर्म के द्वारा बनेंगी। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में हम इतने दिन से बात कर रहे हैं वो किसके द्वारा बन रही है, मीजोडर्म के द्वारा, ठीक है। और फाइनली हम बात करते हैं मसल्स की, तो मीजोडर्म के द्वारा क्या है, मसल्स का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब यह है कि मीजोडर्म जो है रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होते हैं उनमें मीजोडर्म का हाथ होता है बनने का। एक्टोडर्म यानी कि एपिडर्मिक जो लेवल होता है उनको बनाती है, एपिडर्मिक होते हैं। एंडोडर्म जो एंडोडर्मिक जो ऑर्गेन्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं उनको बनाती है। मीजोडर्म जो है वो जो मिडल जो होते हैं मिडल को बनाती है। जो एक्टोडर्म है इसका नाम जो है एक्टोज, ये आप याद रख लेना, ये वर्ड है एक्टोज, ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब होता है आउटसाइड, उससे मिलकर के बना है इनसाइड। और मीजोडर्म का मतलब होता है जो मीजोडर्म है उसमें है, मीजो है उसका मतलब है मिडल, ठीक है। तो ये एक्टोज को आप ध्यान रखना, ठीक है, इसका मतलब होता है आउटसाइड। तो हमने इस प्रकार से बात की किसके बारे में, गैस्टुलेशन।
गैस्टुलेशन के बारे में हमने विस्तृत रूप से बात की है। इसका कारण यह था, ये एनसीईआरटी में है नहीं है, लेकिन इसका बात करने का यह कारण था कि आप ब्लास्टुला तक आप बात कर लेते हैं, फिर आपको ये दिमाग में ये भरा रहता है कि अब आगे क्या होगा। आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि आप डायरेक्ट सेल्स हैं, तीनों लेयर्स बनेंगी तो तीनों लेयर से ये फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि ब्लास्टुला से कैसे ग्लैस्टुला ये तीनों लेयर्स बनती है, फिर ये ऐसे ऑर्गेन्स का निर्माण होता है, तो आपको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। आपको कहां कहां कौन कौन सी चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, तो उसको हमारे लिए कमेंट करके बताएं, और शेयर तो आप करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।